हाय गाइस, यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस स्टोरी के 51 या 55 पार्ट्स हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पूरे 55 पार्ट्स आप तक पहुंचा सकूं। हाँ, ये स्टोरी मैं थोड़ा स्लो अपडेट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी है। इसका ट्रांसलेशन करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। एक चैप्टर ट्रांसलेट करने में मुझे 15 मिनट लग जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग को बुरा ना लगे और आप लोग ये स्टोरीज को इंजॉय करें। और एक चीज़, मेरे एक किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैं ड्वेल कल्टिवेशन को एक्सप्लेन करूं, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ड्वेल कल्टिवेशन के सिर्फ 9 चैप्टर है अंग्रेजी में, बाकी किसी और लैंग्वेज में है। मैं इस कहानी को भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इस कहानी को एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। अब आगे हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब यह सब हो जाता है और ज़ियांग और एक्समाओ और लुनार पैलेस की तरफ वापस बढ़ जाते हैं। पैलेस में जाने के बाद लुनार बोलती है कि यंग मास्टर, थैंक यू, आपने मेरी लाइफ बचाई। इसके लिए मैं कसम खाती हूँ कि आज से मैं आपको फॉलो करूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक मैं मर नहीं जाती। मैं आपकी सेवा करूंगी, अच्छे बुरे सब कामों में मैं आपके साथ रहूंगी। वो नीचे झुकती है और ये कसम खाती है और ये सब बोलती है। तो जहांग बोलता है कि अरे तुम ऊपर उठ जाओ, नीचे मत झुकी रहो। मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ जिसे दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें भी दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर वो बोलता है कि जाओ, जाके एक्साओ मू टाओ को कहो कि वो तुम्हारे लिए एक कमरा अरेंज कर दे और तुम जाके वहां पर रेस्ट करो। लुनार बोलती है यस, और वो चली जाती है। तभी जियांग को लगता है कि कितना ही आज थका भरा दिन था, और वो बिस्तर में लेट जाता है और बिस्तर में लेट के उसे बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। और वो सोचते हैं कि एंशियंट पीपल, पुराने जमाने के लोग, एक्टिंग करते करते लगता थकते नहीं थे। वो तो बहुत थक गया। वो एक बहुत गहरी सांस लेता है। तभी रसल बसल होती है, हवाएं चलती है और ज़ियांग को कुछ पता नहीं होता है। ज़ियांग तो मस्त आराम से फैल के बिस्तर में पड़ा होता है। तभी ज़ैन भाई ज़ियांग के कमरे में आता है और देखता है कि जो स्लीपिंग पोस्चर है कितना अजीब है। इसके जो लेग हैं वो तो स्ट्रेच्ड हैं, फैल के सो रहा है। ये कैसा अजीब पोस्चर में सो रहा है, और तो और सोने से पहले इसने अपने शर्ट भी नहीं उतारी होती है। और ये जरूरी होता है कि जब हम सोने जाते हैं तो हम अपने कपड़ों को कंफर्टेबल कपड़ों में बदलते हैं या अपना शर्ट वर्ट उतार के सोते हैं। ये ऐसा ज़ैन भाई सोच रहा होता है, मतलब ज़ियांग का फ्यूचर हस्बैंड। तभी वो ज़ैन वैंग का ऊपर का कुर्ता थोड़ा सा हटाता है, खोलता है और देखता है कि वहां पर एक चोट लगी हुई है, ब्रूस का मार्क है। और तभी वो सोचता है कि अपनी केयरलेसनेस के हिसाब से शायद इसे यहाँ पर चोट लग गई है। और क्या ये चोट जी पैलेस के लोगों के द्वारा मेरी कुबीन को दी गई है, ऐसा ज़ैन भाई अपने मन में सोच रहा होता है। वो बिस्तर पे बैठता है और एक दवाई की बोतल अपने पॉकेट में से निकालता है और वो धीरे से एक लेयर दवाई की अपनी कुबीन यानी ज़ियांग के जो चोट है उस पर लगा देता है। तभी ज़ियांग उठ जाता है, मतलब नींद में ही है लेकिन हल्की नींद में, और बोलता है कि ऐसा मत सोचना कि तुम मुझे आसानी से बुली कर सकते हो, और मुझे इतनी आसानी से बुली करना पॉसिबल नहीं है। तो ज़ैन भाई जो है वो दवाई लगाते हुए ज़ियांग को देख रहा होता है, अपनी कुबीन को देख रहा होता है और सोचता है कि देखो मेरी कुबीन सपने में भी ऐसी बातें बड़बड़ा रही है। और वो अपनी कुबीन की चिन पे हाथ रखता है और बोलता है कि यदि तुम ज़ियांग नहीं हो तो कौन हो। तो जो ज़ियांग है उसकी जो कुबीन वो सो रही होती है, लेकिन वो नींद में जवाब देती है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर हूँ, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। तभी पीछे से जो गार्ड है
वो खड़ा होके ये सब सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि वाकई में ये जो कुबीन है बड़ी ही स्पेशल है। और तभी जैन भाई सोच रहा होता है कि हाँ, ये कुबीन वाकई में स्पेशल तो है और इसीलिए तो मैं पैलेस से इसको देखने के लिए यहाँ तक दूर आया हूँ। तभी जो ज़ियांग की सर्वेंट है वो भागती हुई आती है और बोलती है, यंग मास्टर जल्दी उठिए, अभी तक आप नहीं उठे हैं। तो ज़ियांग किसी तरह अपनी आंखें रगड़ते हुए उठता है और बोलता है, भाई इतनी शोर शराबा क्यों हो रहा है अर्ली मॉर्निंग में। तो जो उनकी सर्वेंट है वो बताती है कि जो यंग मास्टर, जो रॉयल गार्ड के कमांडर एक्सुई हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं, तो आप जल्दी जल्दी से कपड़े बदलिए और तैयार हो जाइए, वो आपका इंतजार बाहर कर रहे हैं पिछले 2 घंटे से। और आपकी जो ग्रेट आंट है वो हमेशा उनको वेलकम करती आई हैं आज तक। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें उन्होंने, ग्रेट आंट ने भेजा है मुझे उठाने के लिए। तो वो बताता है, सर्वेंट बताता है कि लेकिन कमांडर एक्सुई ने कहा कि आपको थोड़ी देर और सोने दिया जाए। तो ज़ियांग सोच रहा होता है, क्या लाओ शेनजी और समथिंग, क्या मैं उस आदमी के क्लोज हूं। तो वो सोचता है कि जब उसने कहा ही है, लॉर्ड एक्सुई ने कहा है, कमांडर एक्सुई ने कहा है कि मुझे थोड़ी देर तक सोना देना चाहे, तो क्यों ना मैं नाश्ता ही भी कर लूं और नाश्ता करके जाऊं। जब देर से ही जाना है तो भाई कुछ भी करो और फिर वैसे जाओ। जो सेवेंट है वो बड़ी चौंक जाती है कि अरे ये यंग मास्टर कैसी बातें कर रहे हैं। और वो सोच बोलता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो ये कुछ थोड़ा ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होगा, मतलब कमांडर एक्सुई को वहां पर इंतजार कराना, ऊपर से यहाँ पर बैठ के हम नाश्ता खाएं और वो इंतजार करें। तो ज़ियांग बोलता है कि जो ग्रेट अंकल है वो इस घर के मालिक है, जब मालिक ने ही गेस्ट को वेलकम कर लिया है तो हम लोग जाएं या ना जाएं इससे क्या फर्क पड़ता है। और ज़ियांग बोलता है, जल्दी जल्दी करो, मुझे पॉरेज खाना है 1 घंटे के बाद। ज़ियांग जाता है, बोलता है, मुझे माफ करिए कमांडर एक्स्यू, आपने मेरा बहुत देर इंतजार किया है। और पूछता है कि आप हमारे पैलेस में क्यों आए हैं। तो कमांडर एक्स्यू अपनी पोजीशन से उठते हैं जहां वो बैठे होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं एक्सुई, कमांडर एक्सुई कुबीन को ग्रीटिंग्स देता हूं। और वो अपने दूसरे सबॉर्डिनेट को बुलाते हैं और बोलते हैं, ए लुई, होम पेज जो है वो कुबीन को दीजिए, यानी कि रिस्पेक्ट दीजिए। और कहते हैं कि आज से आपको जो है पैलेस में चलना है और हमारे मास्टर की कुबीन होने के नाते आपको ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। तो ज़ियांग बोलता है कि ठीक है, इस जो आप ये खबर लेके आए कि मुझे आपके साथ चलना है और कुबीन की तरह से, कुबीन हूँ मैं तो कुबीन की तरह मुझे सारे रूल्स फॉलो करना है, उसके लिए थैंक यू। तो यहाँ पर जो उनके अंकल है, ग्रेट अंकल, वो बोलते हैं कि कल रात ज़ियांग एक रायट में था, मतलब वो जो किचन में सर्वेंट्स के साथ प्रॉब्लम हुई थी उसमें था, और आज ज़ेन भाई अपने बॉडीगार्ड्स को लेके आया है।
तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि जैन भाई को पहले से पता था कि हम लोग ज़ियांग को यहाँ बुली भी करते हैं, मतलब सर्वेंट भी ज़ियांग पे ऊंची आवाज उठा सकता है? और क्या इसका मतलब ये है कि जैन भाई मेरे फेस पे ही स्लैप मार रहा है मेरी बेइज्जती करके, ये दिखा के कि मैं अपनी कुबीन को अपने साथ ले जा सकता हूँ कभी भी? तो दूसरी तरफ एक आदमी को बुलाया जाता है जिसका नाम है एक्सु लिंग, जिसे बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट किया जाता है, और ये पर्सन रॉयल कुबीन्स को बेडरूम में होने वाली चीजें जो पति पत्नी के बीच में होती हैं और कैसे होती हैं ये सिखाता है वो आदमी। तो जो एक्सोलिंग है वो अपना सिर झुकाता है और कुबीन को रिस्पेक्ट देता है। तो जियांग सोच रहा होता है कि बेडरूम के मैनर्स, मतलब बेडरूम में एक पति पत्नी के बीच में क्या होता है, क्या ये कोई सिखाने वाली चीज है? ये कितनी शर्मनाक चीज है कि ये लोग ये चीजें भी सिखाते हैं और इतनी जोर से बोल भी रहे हैं इस चीज के बारे में। तो जियांग बोलता है थैंक यू मास्टर, और जियांग सोचता है कि जैन भाई ने ये चीज क्या पर्सनली अरेंज करी है कि मुझे बेड में क्या करना है ये सीखना पड़ेगा। तो कमांडर एक्सवे बोलता है कि एक और एक चीज है, कि मास्टर ने एम्परर को थैंक यू कह दिया है उनकी ग्रेस के लिए जो उन्होंने ये शादी का डिग्री दी है, और अब जो वेडिंग जो है वो जल्दी सेलिब्रेट की जाएगी और वेडिंग का टाइम जो है वो कल का है, यानी कल आपकी वेडिंग है। और जैन बाई वैंग की पैलेस में सब कुछ अरेंज हो चुका है, सिर्फ कुबीन को हमारे साथ चलना है और कुछ नहीं करता है। जब जियांग ये सुनता है तो उसे बहुत ही शौक लगता है कि शादी होने तो वाली थी लेकिन कल ही हो जाएगी, ये उसे उम्मीद नहीं होती है। तो बोलता है कल शादी हो जाएगी। ऐसा सोच के वो बोलता है कि ठीक है, मैं पैलेस में जाने की परमिशन लेता हूँ, पैलेस जा रहा हूँ। और वो कुबीन को गुड बाय कहते हैं, बोलते हैं, और जी लॉर्ड को भी गुड बाय कहते हैं, और कमांडर एक्सवी अपने सबॉर्डिनेट के साथ चले जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ियांग सोच रहा होता है कि कल मेरी शादी है, हे भगवान ये क्या हो रहा है? जैन बाई वैंग के दिमाग में क्या चलता रहता है, कब ये उसने ऐसा फैसला ले लिया? और वो बहुत ही इम्पेशेंट हो रहा होता है कि वो क्या करे कैसे करे, आफ्टर ऑल वो भी तो नर्वस है, उसने उसका किसी के साथ कभी कुछ रहा नहीं है और वो एक मेल वाइफ बनने जा रहा है। तो ये जो बेडरूम मैनर सिखाने के लिए जिस बंदे को बुलाया गया है वो बोलता है कि कुबीन ज्यादा कुछ मत सोचो, इधर आओ मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ बेडरूम मैनर की। तो जियांग बोलता है लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है कि यदि तुम मुझे नहीं समझा पाए तो तुम अपने मास्टर को ढूंढोगे और इस पोस्ट से रिजाइन कर दोगे। हाँ, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड एक्सुई जो है वो एक अपने साथ आदमी को लेके आते हैं जो कि बेड बेड चैम्बर में कैसे बिहेव करना है वो वाली एक्टिविटीज सिखाने के लिए लाया जाता है। जब ये आदमी आता है अंदर तो ये कोशिश करता है कि जियांग को ये बेड में जो एक्टिविटीज होती है वो सिखाई जाए, लेकिन जियांग जो है उसे बड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि ऐसी चीजें कोई किसी को क्यों समझाता है, और प्लस वो 21वीं सदी का है यानी वो और भी मॉडर्न जमाने से है जिसकी वजह से उसे ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जियांग उसे अंदर तो ले जाता है और कुछ ड्रॉ करके उसे देता है, और ये बात यहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद
उनका एक सोल्जर जो चीज जियांग ने बना के वो आदमी को दी होती है जो बेड चैम्बर में परफॉर्म करने वाली ड्यूटी सिखाने आता है उसको दी होती है, वो सोल्जर लेके आता है और जैनबाई मैनर में आता है और वहां पर वो जो एक्ट कर रहे हैं स्पेशल बॉडीगार्ड जो है जैनबाई वैंग की प्लेस में, जो स्पेशल बॉडीगार्ड जो जैनबाई बन के एक्टिंग कर रहे हैं उनको लाके देता है और बोलता है कि ये आपकी होने वाली कुबीन के द्वारा एक बुकलेट भेजी गई है तो आप उसे देखें। तभी लोग बाहर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। तभी वो अपने गार्ड को बोलता है जो अभी जैन भाई बन के प्रिटेंड कर रहा है, वो अपने गार्ड को बोलता है कि तुम जाओ और एक्सवी लॉर्ड एक्सवी को बुला के लाओ। लॉर्ड एक्सवी भाग के आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो जो ये आदमी एक्टिंग कर रहा है उनके मास्टर की, वो बोलता है देखो ये कितना स्पेशल होने वाली कुबीन ने बनाया, और वो बहुत हंसने लगता है दिखा के, क्योंकि ये कुछ और नहीं, ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर उस टाइप के चित्र बने हुए हैं जो एडल्ट चित्र जिन्हें हम कहते हैं, वो चित्र वाली किताब है ये। और जब लॉर्ड एक्सवी देखते हैं तो लॉर्ड एक्सवी के सारे बाल खड़े हो जाते हैं, उनका चेहरा भी लाल हो जाता है। तभी वो लॉर्ड एक्सवी बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मास्टर की एक्टिंग करने के लिए बिठाया गया है तो तुम्हें ठीक से वो करना चाहिए। तभी ये आदमी जो मास्टर की एक्टिंग कर रहा है वो एक्सवी की तरफ देखता है और बोलता है कि इस तरह की किताब तो कोई भी देख के शर्मा ही जाएगा, हंसी भी आएगी, तो और क्या कहते हैं, और ये किताब तुम जाके रियल मास्टर को दे दो। तो एक्सवी उससे वो किताब ले लेता है और अपने रियल मास्टर के पास जाने की तैयारी करने लगता है। और तभी ये जो आदमी प्रिटेंड कर रहा है मास्टर होने का, वो बोलता है कि वैसे तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो मास्टर का रोल मैं प्रिटेंड करता हूँ उसमें सिर्फ मैं खाना ही खाता हूँ और सोता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता, ये बहुत बोरिंग है मेरे लिए, तो तुम मास्टर को कहो कि आके अपनी पोजिशन ले ले जिससे मैं भी इस रूटीन से फ्री हो जाऊँ। दूसरी तरफ एक्सवी वो किताब जो कुबीन ने बना के दी है, मेल कुबीन ने बना के दी है, वो उसने मास्टर के पास लेके जाता है अपने असली मास्टर के पास। तो मास्टर भी वो किताब खोल के देखते हैं, जैन भाई किताब जब खोल के देखता है तो वो बोलता है कि मेरी कुबीन ने ये किताब इसलिए भेजी जिससे कि मैं फ्यूचर में उसको कैसे ट्रीट करूं, इसमें वैसा बताया गया, मतलब मेरी कुबीन को ये सब पसंद है तो मुझे शायद फ्यूचर में ये सब उसके साथ करना होगा। तभी नेक्स्ट डे क्या होता है कि एक्स माउ टाउ जो अपनी जियांग की सर्वेंट है, वो उसको जियांग बोल रहा होता है कि एक्स माउ टाउ जो तुमने कपड़े चुने वो कुछ ज्यादा ही फ्लैशी नहीं है क्या, बहुत भड़कीले हैं, और ये कपड़े कुछ और नहीं, ये उनकी आज वेडिंग है जिसके लिए उनकी वेडिंग ड्रेस है जो लाल रंग की है। तो बताती है कि ये जो कपड़ा है वो तो मास्टर के प्लेस से आया है, जैन भाई के प्लेस से आया है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो किसी तरह जैन भाई को कर देती है ब्राइड के आउटफिट में। जैन भाई सोच रहा होता है कि जो जैन भाई है वो तो वैसे भी सिख है, सबको दुनिया के सामने वो एक ऐसा आदमी है जो बहुत बीमार है और बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, उसका दिमाग तो चलता है लेकिन उसका बॉडी हिल नहीं सकता, क्योंकि उस कमरे में वो फ्रेग्रेंस थी यदि आप लोगों को याद हो, जहां पर सिर्फ दिमाग चलता है लेकिन बॉडी नहीं चलती करके। फिर वो साथ में ये भी सोचता है कि इतना बीमार आदमी है मेरा होने वाला पति, तो वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा वेडिंग नाइट पे, तो वो ये सोच के थोड़ा सा अपने दिल को तसल्ली दे देता है। और फिर वो अपनी सर्वेंट को बोलता है एक्स माउ टाउ को कि मेरे लिए एक ऐसी एक चीज खरीद के लाओ, लेकिन ये चीज के बारे में तुम किसी को मत बताना। तो तभी एक मेड आती है, बोलती है कि जो मास्टर है क्या कहते हैं ब्राइड का जो टाइम है वो ब्राइड को ले जाने का टाइम हो गया है, अब ब्राइड को चलना चाहिए। जियांग बोलता है ठीक है हम चलते हैं। और तभी जियांग अपनी वेडिंग ड्रेस में होता है और पैलेस से बाहर निकल जाता है, सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। जियांग अपनी शैया में बैठता है जो उसके लिए भेजी गई होती है, और जब वो उसमें बैठता है तो वो सोचता है कि अब मैं जी पैलेस से तो जा रहा हूँ, अब इस घर में मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन अब जब दूसरे पैलेस में जा रहा हूँ तो बस ये समझ लेना चाहिए कि मेरी रहने की जगह जो है वो बदल गई, अब इस पैलेस से उस पैलेस में रहूंगा और वो पैलेस की कंडीशंस जो है वो बेटर होंगी मेरे इस पैलेस की अपेक्षा। उसके बाद अब ये पहुंचते हैं जैन भाई वैंग के पैलेस में जहाँ पर इनका फ्यूचर हस्बैंड रहता है। तो लोग बोलने लगते हैं कि इस बार जैन भाई मतलब लोगों के सामने आएगा कि अभी भी वो बिस्तर पे ही पड़ा रहेगा। तभी दूसरे लोग बोलते हैं कि ये जानना मुश्किल है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यदि हम उससे नहीं मिल सकते तो कोई समस्या नहीं है, उसकी होने वाली कुबीन से तो हम मिल ही सकते हैं, उसकी होने वाली कुबीन को देखेंगे। इसी बीच जैन भाई वैंग की बहन जाई राव आती है और वो बोलती है कि इतनी छोटी प्लेस है जी पैलेस जो है वो तो बहुत छोटी जगह है, वहां की कुबीन भी छोटी ही होगी, पता नहीं वो हमारे मेरे भाई ने कैसे इस प्लेस को चुना है करके। जब जियांग पहुंचता है जैन भाई के पैलेस में तो वहां पर सब लोग उसका स्वागत करते हैं और वो बोलता है, एक आदमी बोलता है कि जैन भाई जो है हमारे मास्टर जो है वो सिख हैं, तो आपको जो रिचुअल है वो खुद ही अपने आप पूरी करनी पड़ेगी, और इस सेरेमनी ये सेरेमनी वो होती है जब नए दूल्हा दुल्हन विवाहित होते हैं तो उनको सब जगह अपना माथा टेकना पड़ता है और रिस्पेक्ट देना होता है।
ज्यादा सोच रहा होता है कि लेकिन जब दूल्हा ही नहीं प्रेजेंट है तो कैसे ही ये रिचुअल जो है वो पूरी होगी। तभी वहां पर राव आती है जो जैन भाई की बहन है। तो वो बोलती है कि जो हमारी नई दुल्हन है मतलब हमारी जान जो कुबीन है वो बहुत ही शर्मीली है और वो कैसे अभी भी इस स्थिति में काम रह सकती है। और जान अपनी दुल्हन की वेशभूषा में से अपने घूंघट में से देखता है और सोचता है कि ये जरूर प्रिंसेस जायराव होगी। और ये भी कहते हैं और वो अपने मन में ये भी सोचता है कि ये जो प्रिंसेस है वो अपने बचपन से ही ये क्या कहते हैं रान मोस फैंग की बहुत लवेबल है मतलब उनकी बहुत ही प्यारी बेटी है। और वो ये भी जानता है कि ये इसको बहुत पैम्पर करके पाला गया होता है। और वो ये सोचता है कि जैसा कि लोगों ने कहा है कि ये जो राव है उसको बहुत पैम्पर से पाला गया है जिसकी वजह से उसे कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, लगता है ये बात सच है। तभी ज़ियांग बोलता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी शादी जैन भाई से हुई है और मैं आपको डिससेटिस्फाइड नहीं करूंगा, मैं अपनी सारी ड्यूटी अच्छे से करूंगा। और तभी राव बोलते है कि तुम ये कहना चाहते हो कि कल मेरा भाई जो है वो तुम्हें देखने आया था, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता यदि वो तुम्हें देखने आया था। तो तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि प्रिंसेस आप काम डाउन हो जाओ, आप अपनी डिग्निटी का ध्यान रखो, ऐसे आप बिहेव नहीं कर सकते। और तभी एक्सुई आता है, लॉर्ड एक्सुई आता है और बोलता है कुबीन आप अपने वर्ड्स के साथ जरा थोड़ा सा ठीक से पेश आओ क्योंकि यदि ये र्यूमर्स कहीं बाहर फैल गई तो अच्छा नहीं होगा। तभी ज़ियांग सोचता है कि ह्यूमिलेट करना कुबीन को उतना ही इक्वल होता है जितना कि अपने मास्टर को ह्यूमिलेट करना, और यहाँ सब लोग मुझे ह्यूमिलेट ही कर रहे हैं। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एक डल सा आर्ग्यूमेंट होता है और कुछ नहीं। तभी एक्सुई बोलता है कि ठीक है जब वक्त निकल जाएगा, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, इसलिए आप आओ और अपना वो करो मतलब रिचुअल को पूरी करो। अब क्या कहते हैं इनको हेवन एंड अर्थ के आगे वो करना है मतलब झुकना है, तो ये लोग वैसे झुकते हैं। और दूसरे दिन इनको जो जैन भाई के पेरेंट्स है उनके पास जाना है और वहां पर उनको अपना माथा टेक के उनको रिस्पेक्ट देना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मास्टर को उनका सोल्जर बोलता है कि आपको जाके उनको देखना चाहिए, अपनी नई नवेली दुल्हन को देखना चाहिए। अब ये बात यहीं पे खुद खत्म हो जाती है और सब सोचते हैं कि जो नई कुबीन है वो बहुत सीधी सादी है। अब रात हो चुकी होती है और अब वेडिंग पार्टी भी ओवर हो चुकी होती है। ज़ियांग अपने कक्ष में होता है और अपने लिए वाइन सर्व कर रहा होता है और वो एक पुड़िया निकालता है और उस कप में मिला देना चाहता है और अपनी सर्वेंट अक्समाउटाओ को बची हुई पुड़िया दे देता है और बोलता है कि इसे कहीं छुपा दो या फेंक दो, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने वाइन में कुछ मिलाया है करके। उसके बाद क्या कहते हैं जैन भाई ज़ियांग सोच रहा होता है हमको पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और इस पुड़िया को फेंकने से अच्छा कि हमें इसे कहीं संभाल के रखना चाहिए। और वो बार बार बोलता है कि जो राइट साइड का ग्लास है वो मो फैंग के लिए है और जो लेफ्ट का ग्लास है वो मेरे लिए है, तो इसमें मैसअप मत करना नहीं तो गलत ग्लास मुझे मिल जाएगा और जो असर मतलब मैं चाहता हूँ कि जैन भाई पे हो वो उस पे ना हो के मेरे पे हो जाएगा। तभी वो देखता है कि जैन भाई जो है वो आ चुका है और जैन भाई भी लाल रंग के कपड़ों में होता है मतलब धूलों के कपड़ों में होता है। और तभी ज़ियांग सोच रहा होता है कि लोगों ने नहीं कहा था कि जैन भाई को पॉइजन है और वो चल फिर नहीं सकता है, फिर वो यहाँ आके कैसे खड़ा हो गया है। और तभी जैन भाई ज़ियांग के एकदम करीब पहुंचता है, बोलता है कि लगता है तुमको मुझे इस तरह खड़ा देख के खुशी नहीं हुई, क्या कुछ गड़बड़ी है। तो ज़ियांग बोलता है नहीं नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं आज। तो जैन भाई बोलता है अच्छा सच में, और फिर ऐसा करके वो बोलता है कि ठीक है अब हमें अपना जो वाइन ग्लास प्रिपेयर किया गया है वो पीना चाहिए। और इसी के साथ वो वाइन का ग्लास उठाता है और वो गलत ग्लास उठाते हुए उसको देखता है। तो जैन भाई को बड़ा वो लगता है कि अब वो क्या करे, उसने तो लेफ्ट वाला ग्लास उठा लिया जबकि राइट वाला उसके लिए था। और वो बोलता है कि एक मिनट रुकिए मास्टर, मैं पहले इसको पी लेता हूँ उसके बाद आप पीजिएगा। तो जो हाथ में जैन भाई का ग्लास होता है वो उसको ले लेता है और पहले ज़ियांग पी लेता है और उसके बाद उसका चेहरा एकदम से ब्लश करने लगता है और फिर वो दूसरा वाइन ग्लास जैन भाई को ऑफर करता है और जैन भाई वो ग्लास तो लेता ही है और साथ में ज़ियांग को भी अपने गले से लगा लेता है। उसके बाद कहता है कि ज़ियांग सोचता है कि कैसे इसको ये वाइन पिलाई जाए, किसी भी तरह इसको ये पिलानी ही पड़ेगी, तो काफी फोर्स करता है कि नहीं नहीं आप इसको पीजिए। तभी जैन भाई बोलता है कि कोई समस्या नहीं है, मैं अपने लिए खुद ही वाइन निकाल के पी सकता हूँ।
और ज़ियांग अपने मन में अभी भी सोच रहा होता है कि कैसे लोगों ने कहा था कि ज़ान भाई जो है वो सिख है और वो कुछ नहीं कर सकता और ये सब झूठी बातें हैं करके वो अपने मन में सोच रहा होता है। और फिर ये भी सोच रहा होता है कि ठीक है अब तो ये वाइन मुझे ही पीनी पड़ेगी, अब चाहे इसमें ड्रग क्यों ना हो कुछ भी हो, लेकिन मैं तो ये अपना रिवील नहीं कर सकता कि इसमें ड्रग मिला है, तो अब मैं चुपचाप इसको पी लेता हूँ। और वो एक के बाद एक ग्लास पी लेता है। और फिर ज़ियांग पूछता है कि लेकिन आपने ज़ियान भाई आपने क्यों नहीं ये वाइन पिया, तो ज़ियान भाई बोलता है कि मेरी जो ड्रिंकिंग की क्षमता है वो अच्छी नहीं है और यदि मैं पी लूंगा तो मुझे डर है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ज़ियांग सोचता है कि उसने तो सिर्फ एक ही कप, दो कप, एक दो कप ही वाइन पिया है, तो उसे इस तरीके का फील क्यों हो रहा है। उसका बॉडी बहुत हॉट और ड्राई फील हो रहा होता है और उसका चेहरा भी बहुत ब्लश कर रहा होता। तभी जान भाई बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यदि तुम आज रात मुझे सर्व नहीं कर सकते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम आराम कर सकते हो, और या फिर मैं तुम्हें सर्व कर सकता हूँ, तुम मुझे सर्व करो या मैं तुम्हें सर्व करूँ, एक ही बात है। और ये सर्व करने से मतलब है उनका जो पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो। तभी जान भाई ज़ियांग को गोद में उठाता है और उसके बाद वो अपने बिस्तर की तरफ चल पड़ता है। ज़ियांग बहुत पैनिक हो रहा होता है और वो ज़ियान भाई को बोलता है, मास्टर 1 मिनट रुको, हम नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ज़ियान भाई बोलता है कि क्या नेगोशिएशन करना चाहते हो तुम, तो ज़ियांग बोलता है कि मास्टर मैं आपकी कुबीन तो हूँ, मेल कुबीन, लेकिन आप भी मेरे से शादी तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है। हमें जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया है और इस मैरिज को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते थे। तो जैन भाई वैंग, तुम क्यों किसी आदमी से शादी करना चाहोगे जबकि तुम्हें भी पता है कि यदि दो आदमी शादी करेंगे तो तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, और फिर जब बच्चे नहीं होंगे तो तुम्हारा ब्लड लाइन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो क्या कहते हैं हमारी मैरिज हुई है वो एक अनजस्टिस था कि हमारे साथ ये अनजस्टिस किया गया, एम्परर ने हमें ये मैरिज करने की डिग्री दी और हम इस डिग्री को अवॉइड नहीं कर सके इसलिए हम इसमें हैं, तो एक काम करो कि आप मुझे जो है छोड़ दो, और यदि आपको फ्यूचर में कोई औरत पसंद हो, लड़की पसंद हो, तो आप उससे शादी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ऐसा वो कहता है। और वो ये भी कहता है कि एम्परर ने आपको जो है एक मेल कुबीन इसलिए दी क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके आगे कोई जनरेशन बढ़ेगी, ये बात आप भी जानते हैं। तभी जैन भाई बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है कि एम्परर के बारे में इस तरह बात करने की सजा मौत होती है। तभी वो ज़ियांग का गला पकड़ लेता है और ज़ियांग जो है कफ 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 करने लगता है क्योंकि उसका गला चोक हो रहता है। और क्या कहते हैं वो बोलता है कि लेकिन मुझे अभी भी याद है कि आप जब बैटल फील्ड में गए थे तो आपको वहां से पॉइजन कर दिया गया था, ठीक उसी तरह जिस तरह आपके पिताजी को पॉइजन किया था, और एम्परर आपको मारना चाहता है, लेकिन मैं इन सब में आपकी मदद कर सकता हूँ, और जो भी आपको हार्म पहुंचाएगा मैं उन सब सबको हैंडल कर सकता हूँ करके। तो जैन भाई पूछता है कि हाँ तो तुम कैसे हैंडल कर सकते हो, जरा बताओ मुझे। तो ज़ियांग बोलता है कि चाहे चोरी करना हो या मर्डर करना हो मैं कोई भी काम आसानी से कर सकता हूँ करके। तभी ज़ियान भाई बोलता है क्या तुम्हारे पास ऐसे स्किल्स भी हैं जो तुम ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और जहाँ तक मुझे पता है कि जी मेंशन का जो सबसे बड़ा बेटा है उसको मटेरियल आर्ट वार्ट कुछ आता नहीं है, तो बताओ तुम कैसे मेरी सेफ्टी रखोगे और मुझे कैसे तुम दूसरे लोगों से बचाओगे। और तभी ज़ियांग सोच रहा होता है कि उसे अंदर से इतनी गर्मी क्यों लग रही है और मैंने क्या ऐसा पी लिया जिसकी वजह से मेरा हाल ऐसा हो गया। तो ज़ियांग वो बोलता है कि लेकिन मैंने आपसे शादी करी है और मेरे पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि मैं आपको धोखा दूं, तो चाहे मुझे मटेरियल आर्ट आए या ना आए ये आपको बाद में पता चलेगा। तो जैन भाई बोलता है ठीक है फिर हमारी डील हो गई है कि मैं तुम्हारी बात पे एग्री करता हूँ।
और तभी जियांग बोलता है कि ठीक है, जब हमारी डील हो गई है तो आप अपने रूम में चले जाइए और अर्ली रेस्ट कीजिए। वो किसी तरह ये जो पति पत्नी के बीच में रिलेशन जो बनते हैं शादी के बाद, उसको अवॉइड करना चाहता था, इसलिए उसने इतनी सारी बातें जैन भाई को कही। तभी वो जैन भाई भी उसके मजे लेने के लिए बोलता है कि हाँ, मैं तो रेस्ट बहुत पहले से ही करना चाह रहा था, लेकिन तुम ही मुझे पकड़ के बैठे थे, तो मैं कहाँ से रेस्ट जल्दी कर पाता है। और फिर उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जान भाई जियांग का हाथ पकड़ लेता है और उसके एकदम गले के पास जाता है और बोलता है, तुम कह कुछ रहे हो लेकिन कुछ कर कुछ रहे हो, देखो तुम्हारा बॉडी कितना ब्लश कर रहा है करके। और तभी जान भाई बोलता है, लेकिन जब तुमने इतनी सारी एम्परर के बारे में बात करी गलत सलत, तो तभी मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैंने तुम्हें वादा किया है कि मैं तुम्हें ठीक से रखूंगा करके। और तभी जियांग बोलता है कि ठीक है, जब तुमने प्रॉमिस किया है तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। और तभी जान भाई जियांग के माथे पे एक किस दे देता है। और जियांग सोच रहा होता है कि लगता है जो वाइन उसने पी, उसमें जो उसने दवाई मिलाई थी, उसका असर इसी वजह से उसे हॉट फील हो रहा है। और वो ये भी सोचता है कि जान भाई के जो हाथ है वो कितने ठंडे हैं और कितने कूल हैं, और उसको ये हाथ अच्छे लग रहे हैं। और जान भाई उसको थोड़ी देर देखता है और फिर ये सीन बदल जाता है, जहाँ पर लॉर्ड एक्सयू और उसके साथ में एक आदमी छत पे बैठा हुआ है। तो जो ये दूसरा आदमी है वो एक्चुअली लॉर्ड एक्सयू को पसंद करता है, लेकिन वो अभी तक ये चीज़ बोल नहीं पाया। तो ये पूछता है कि लॉर्ड एक्सयू, क्या हमारे जो मास्टर है वो वाकई में इस शादी को सीरियसली लेंगे क्या, क्योंकि उन्हें तो मेल कुबीन दी गई है। और तभी वो बोलता है कि लॉर्ड एक्सवी बोलता है कि ऐसी बातें मत करो, ये तो समय ही बताएगा कि मास्टर कितना सीरियस है अपनी शादी के बारे में। ये कह के वो भी वाइन पीने लगता है। और फिर क्या कहते हैं, दूसरा दिन होता है, तभी जियांग भाई देखता है कि जियांग उठ गया है और वो पूछता है कि कल रात तुम अच्छे से सोए? और जियांग सोच रहा होता है कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो जैन भाई बोलता है कि क्या हुआ? तो जियांग बोलता है कि कल रात किस तरह की वाइन थी वो? तब जैन भाई बोलता है कि वो तो एक ऑर्डनरी वाइन थी जो बहुत पुरानी थी, ओल्ड वाइन्स में टेस्ट में अच्छी होती है। और तभी जैन भाई ये भी पूछता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ गलत था? तो जैन बोलता है, नहीं, कुछ गलत नहीं था। और वो अपने कपड़ों को और पास खींच लेता है। और तभी वो ये भी सोचता है कि जो ये बॉडी मुझे मिला है मेरे पुनर्जन्म के बाद, ये बॉडी बहुत ही वीक है, ये तो बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं वो कर सकता, टॉलरेट कर सकता है। और मेरे इस तरह मतलब आधे नशे में होना की वजह से शायद जान भाई ने मेरा फायदा भी उठाया होगा। और तभी जान भाई जो है वो जियांग के चिन को पकड़ता है और अपनी तरफ देखता है और बोलता है कि ठीक है, तुम अपने कपड़े बदलो और ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसके बाद जियांग जो है वो जान भाई को अपने गले लगा लेता है और बोलता है कि अब से तुम्हें मुझे ट्रीट अच्छे से करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी देखभाल अच्छे से करनी पड़ेगी करके। और जान भाई सोच रहा होता है कि ये सब कुछ कितना इमोशनल हो रहा है, ये सब वो कैसे मैनेज करेगा करके। और फिर वो उठता है और जाने लगता है। जान भाई तो जा चुका होता है और जियांग जो है वो तैयार होकर बाहर के कमरे में आ रहा होता है। तभी बटलर ली आते हैं और वो बोलते हैं कि इस पैलेस के कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें जानने चाहिए। पहला रूल ये है कि
इस पैलेस में मास्टर को शांति पसंद है, तो वो नहीं चाहते कि कोई भी जोर जोर से आवाज में बात करे। दूसरा रूल ये है कि जो अरेंजमेंट इस पैलेस में पहले से किए गए हैं उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। और तीसरा रूल ये है कि अपनी मर्जी से आप कभी भी मेन पैलेस में अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं। और फिफ्थ रूल ये है कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हो उसे आपको मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर से आप वही मिस्टेक कर देंगे जो आपने वाइन में कुछ चीज डाली थी, वो वाली मिस्टेक। तो जियांग बोलता है, अपने मन में सोचता है कि वो पकड़ा गया, और जान भाई को पहले से पता था कि वाइन में उसने कुछ मिलाया है, और वो सोचता है कि ये पक्का एनेस्थेटिक नहीं था, ये पक्का कोई और प्रकार की दवाई थी जो मेरी स्टूपिड सर्वेंट ने लेके आई थी। और ये जो लास्ट वाला रिक्वेस्ट बटलर ली ने बताया है, ये जानबूझ के मेरे इंसल्ट करने के लिए बोला गया है, वरना कोई क्यों ऐसी बात बोलता। और फिर उसके बाद वो बोलता है, बटली बोलता है कि ठीक है, मैंने आप सब कुछ समझा दिया है, अब यदि तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें पैलेस दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि तुम्हें बाद में कोई भी परेशानी ना हो। और वो बताता है कि ये जो पैलेस है वो बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया, और यहाँ पे तरह तरह के फ्लावर्स हैं, और ये वाले जो पिंक एंड ब्लू वाले फ्लावर्स हैं वो जाउराव के फेवरेट हैं, इसीलिए मास्टर ने हर जगह पे ये वाले फूल लगाए हुए हैं। और ये जो जाउरा है वो तो मास्टर की बहन है ना, तो अपनी बहन के लिए वो फूल लगाए हैं। और तभी जांग सोचता है कि प्रिंसेस जाउराव, फिर उसे याद आता है कि अरे ये वही लड़की है जो हमारी शादी की सेरेमनी में आई थी, और मुझे अकेले ही वहां पर परफॉर्म करना पड़ा था, और उसने कहा था कि कैसे जी वैलेस के लोई लोग यहाँ पर मतलब कुबीन बन सकते हैं करके। अब इतना तो हो जाता है। जियांग उठता है और एक फ्लावर तोड़ लेता है, और वो इस फ्लावर की खुशबू को सूंघता है, तभी वो कहता है सांप सांप इधर सांप है करके। जब बटलर देखता है कि जियांग ने फ्लावर तोड़ लिया है तो उन्हें बहुत ही शौक लगता है, और वो बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जो भी इस फ्लावर को तोड़ेगा जाउरुई नाराज हो जाएगी, और ये फ्लावर्स तो जाउरुई के फेवरेट है करके। किसी तरह वहां से स्नेक्स को दूर करने के लिए वो कुछ सोचता है, और सोचता है ठीक है कि हाँ तो ऐसा हो गया है, और ये फूलों के साथ मैसअप भी हो गया, ये गार्डन मैसअप हो गया है, तो क्यों ना मैं आपको लेक की तरफ ले जाऊँ, लेक की सीनरी आप देख के बहुत इंजॉय भी करेंगे। तभी वो लोग लेक की तरफ बढ़ते हैं, उस लेक के अंदर कोई फिश होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है और कलरफुल होती है। जियांग पूछता है कि ये किस तरह की फिशेज है, तो बटलर बताता है कि ये कोई फिश है, इनमें रेड स्पॉट होते हैं, और ये बहुत ही सुंदर होती है, बहुत रेयर होती है। तभी जियांग बोलता है कि मुझे याद है कि इंपीरियल सिटी में किसी ने कहा था कि एक बहुत ही फेमस फिश डिश है, तो यदि हम इस फिश को ग्रिल करेंगे तो कितनी टेस्टी होगी। तभी बटलर को फिर से एक शॉक लगता है, और बोलता है कि नहीं, कुबीन ये फिश खाने की नहीं है, ये बहुत ही रेयर फिश होती है, ये बहुत गुड लक वाली फिश होती है, और इसे नहीं खा सकते हैं करके। और तभी बटलर ने सोच रहा होता है कि यदि मास्टर को पता चल गया तो वो तो और भी गुस्सा में होंगे। और तभी जियांग बोलता है कि ठीक है, मुझे ये सब बताने के लिए शुक्रिया, अब मैं ये बड़ी मिस्टेक होने से बच गई, नहीं तो मैं तो वाकई में इसे ग्रिल करके खाने वाला था। उसके बाद एक्सुई जाता है और रिपोर्ट देता है कि कुबीन ने आज क्या क्या किया, कुबीन ने कैसे मछलियों के बारे में, उनको खाने के बारे में सोचा, और फ्लावर्स गार्डन में से फ्लावर को तोड़ के इधर उधर मैस कर दिया है। और तभी ये जो दूसरा आदमी है वो बैठे बैठे हंस रहा होता है, क्योंकि ये तो बेचारा प्रिटेंड कर रहा है ना कि ये मास्टर है यहाँ पर, तो इसको हंसने के अलावा कुछ काम है नहीं, और बोलता है कि मुझे माफ करे, मैं होल्ड नहीं कर पाया और मेरी हंसी निकली है। और वो बोलता है कि ठीक है जाओ फिर, अब रियल मास्टर को जाके अपडेट करो। और तभी एक्चुअली सोचता है कि होपफुली सब ठीक रहे, कुछ गड़बड़ ना हो। और जब इनका सोल्जर मास्टर के पास पहुंचता है तो वो बताता है कि जो कुबीन है वो अपने उसमें चली गई, अपने मैनर में चली गई है, और हम इस सबको कैसे हैंडल कर रहे करके। और वो तभी मास्टर बोलता है कि मैंने ये फ्लावर्स इसलिए लगाए थे क्योंकि जाउरव जी है वो पूरा समय आकर मुझे परेशान करती रहती थी, और ये फ्लावर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि जाउरव का ध्यान पूरा का पूरा गार्डन में चला गया, तो अब वो मुझे आके परेशान नहीं करती, लेकिन यदि कुबीन को कोई और फ्लावर पसंद है तो ये फ्लावर्स निकालो और दूसरे फ्लावर्स लगा दो। अच्छा अब ठीक है तुम जाओ, अब मुझे काम करने दो। और तभी ये गार्ड सोच रहा होता है कि मास्टर सच में एंग्री नहीं है क्या, मतलब इतना सब नुकसान हो गया तो हो सकता है ना ये एंग्री हो। और दूसरी तरफ टिंग एक्सुई यी जिंग इधर देखो, तो वो बोलता है मैं यहाँ हूँ। तभी वो खिड़की में से आता है और क्या कहते हैं,
ये जो जियांग है वो खिड़की में से चोरी छुपे आता है उसी कमरे में जहाँ वो पहली बार छुपा था, और देखता है कि ये आदमी फिर से बिस्तर पे बैठा हुआ है। और तभी ये जैन भाई बोलता है कि तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों आ रही है। तो जियांग बोलता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने कुछ कपड़े अपनी नाक में डाल रखे हैं क्योंकि इस कमरे में वो वाला फ्रेग्रेंस है ना जिससे कि दिमाग चलेगा और शरीर नहीं चलेगा करके, तो मैं नहीं चाहता कि जैसा लास्ट टाइम हुआ वैसे इस बार भी, इसलिए मैं अपने नाक में कपड़ा डाल के आया हूँ। तो जैन भाई बोलता है कि तुम्हारी तो शादी हो गई है फिर तुम इधर क्यों आए हो। जैन भाई ने अभी तक जियांग को नहीं बताया है कि वो जो आदमी बिस्तर में पड़ा रहता है और जिसे सिख आदमी कहा जाता है वो कोई और नहीं जैन भाई है। मतलब जैन भाई जो है वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो बीमार है और वो लोगों को दिखाना चाहता है कि वो एक यूजलेस आदमी है। तो जियांग बोलता है कि एक बार तुमने मुझे हेल्प की थी और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें यहाँ से एस्केप करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो जियांग भाई बोलता है अच्छा तो तुम आज इसलिए इधर आए हो क्योंकि तुम मुझे मदद करना चाहते हो। तब जियांग बोलता है कि नहीं अभी तो मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए कि कैसे क्या हम प्लान कर सके करके, और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी चीज बनाई है और मैंने सोचा मुझे तुमसे शेयर करनी चाहिए, तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। देखो मैंने क्या बनाया है तुम्हारे लिए। तो जियांग भाई बोलता है क्या बनाया है, और साथ में अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि मेरी क्वीन की इतनी हिम्मत कि वो किसी और आदमी के साथ कुछ भी शेयर करे। अभी क्या है इस सीन में, जियांग भाई को तो पता है कि जियांग उसकी कुबीन है, मतलब उसकी मेल वाइफ है, लेकिन जियांग को अभी भी नहीं पता है कि जियांग भाई और बिस्तर में पड़ा हुआ आदमी एक ही है। उसे अभी भी लगता है कि ये दो लोग अलग अलग है, एक बिस्तर में पड़ा आदमी जो सिख है और जो जियांग भाई, मतलब जियांग भाई जो है वो उसका हस्बैंड है जो उससे अपने पैरों पर आया था मिलने के लिए, और वो सिख नहीं है करके। और तभी जियांग बोलता है कि देखो तुम बताओ मुझे कि क्या बनाया है, इसकी स्मेल गेस करो। तो जियांग भाई बोलता है कि मैं गेस नहीं कर सकता लेकिन बेटर होगा कि तुम खुद ही मुझे कॉल करता। और जियांग बहुत ही खुश होता है और वो बॉक्स खोलता है और दिखाता है कि देखो देखो ये कोई फिश है जो मैंने गार्डन में से चुराई है और इसे बनाई है, और ये फिश में तो एक रेड स्पॉट भी है और ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तभी जियांग भाई भी उस फिश की तरफ देखता है। जैन भाई जब इस फिश की तरफ देखता है तो वो पूछता है तुम्हें पता भी है कि इस फिश का क्या मतलब है, और यदि मास्टर को पता चल गया, मास्टर को पता चल गया तो क्या होगा, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं क्योंकि वो तुम्हें पनिश करेंगे। तभी जैन बोलता है डरना किससे डरना, जो होगा सो देखा जाएगा, और वैसे भी वो जो मास्टर है बहुत शेमलेस है, वो मुझे हरास करना चाहता था, तो यदि मैंने उसकी फिश खा ली तो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैन भाई को ये सुनाई नहीं आता, वो पूछता है क्या कह रहे हो तुम। तो जियांग बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी ना यदि एक फिश हम मास्टर की खा लेंगे तो। तो जियांग भाई बोलता है ये नहीं प्रीवियस सेंटेंस बोलो। तो जियांग बोलता है शेमलेस मास्टर। तो जियांग भाई अपने मन में सोच रहा है, लगता है ये कल रात के बारे में सोच रहा है जियांग, तभी इसने मुझे शेमलेस बुलाया है। तो तभी जियांग भाई पूछते हैं कि मास्टर कैसे शेमलेस है बताओ। तो जियांग बोलता है कि मास्टर सिर्फ शेमलेस ही नहीं है, वो एक बहुत ही बेकार किस्म के भी आदमी है और सिली भी है, तुम नहीं जानते उन्हें, लेकिन जाने तो छोड़ो ये सब बातें मत करो, ये जो फिश मैं लेके आया हूँ उसे खाते हैं, और ये भी बताओ क्या तुम सच में थोड़ी भी लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ बहुत अंधेरा है। तो जियांग भाई बोलता है नहीं ठीक है मैं कैंडल जला सकता हूँ, और वो उठता है और जाके एक कैंडल जलाता है। और तभी जियांग बोलता है तुम उठ सकते हो। तो जियांग भाई बोलता है तो क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं उठ गया हूँ तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जियांग बोलता है नहीं नहीं मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है। और तभी जियांग पूछता है कि ये जिंग तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ है। जियांग भाई के दो नाम है, एक यी जिंग है और एक जियांग भाई है। ये यी जिंग नाम उसने एक ऐसी आइडेंटिटी बनाई है जो सिर्फ उसके आसपास के लोगों को पता है, और जियांग भाई तो पूरे उनके सिटी को पता है। और तभी वो बोलता है कि अरे मैंने ये मास्क इसलिए पहना क्योंकि मेरा फेस अगली है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा अगली फेस देखो, और फिर ऐसा कहकर वो टेबल पर बैठ जाता है। वो देखता है कि जो ये फिश है इसमें गार्लिक पड़ा है, ऑनियन पड़ा है और जिंजर है, और इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, मतलब जो सीजनिंग की कमी है वो बिल्कुल भी नहीं है, और टेस्ट भी बड़ा डिलीशियस होगा, अच्छा होगा। अब तभी क्या होता है,
जो ज्यांग है वो खाता है तो उसको बिल्कुल ये फिश अच्छी नहीं लगती, और वो फिर सोचता है कि लगता है ये फिश दिखने में ही सुंदर है और दिखती ही सुंदर है लेकिन खाने में ही बिल्कुल अच्छी नहीं है, और मैंने कितनी मेहनत से इसको मतलब साफ किया था लेकिन उसके बाद में भी इसमें एक फिशी स्मेल है। तभी जो जान भाई है वो बोलता है, कुबीन मेरे पास एक सजेशन है तुम्हारे लिए, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मास्टर जो है वो शेमलेस है और वो तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मास्टर को मार दो। तभी ज़ियांग सोचने लगता है कि ज़ेन भाई को मार दो, तो ये जो ज़ेन भाई है दूसरी तरफ बैठा हुआ इंसान वो बोलता है हाँ यदि तुम मार दोगे तो ये मेरे लिए बहुत ही हेल्प की होगी हेल्प होगा, तो तुम क्या सोचते हो उस बारे में। तो ज़ियांग फट से मना कर देता है, वो बोलता है कि रान मो फैंग जो है वो अच्छा पर्सन नहीं है लेकिन उसने कभी भी मुझे हार्म नहीं किया है तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और तभी जान भाई बोलते हैं यदि अभी तुम एक्शन नहीं लोगे तो हो सकता है बाद में जी मेंशन के लोग आए और वो लोग कुछ करें और तब ये चीजें हैंडल करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। तभी ज़ियांग बोलता है कि मैं ऑलरेडी ज़ेन भाई से मेरी मैरिज हो चुकी है, अब जी मेंशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वहां क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये जिंग मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें इस प्लेस से एस्केप कराऊंगा तो वो मैं जरूर पूरा कर दूंगा, और रही बात जान भाई को मारने की तो वो मैं उसे कभी नहीं मारूंगा क्योंकि उसने मेरे को कभी भी कोई हार्म नहीं पहुंचाया है, और मैं वैसे भी इसलिए भी नहीं मार सकता क्योंकि मैं तो एक चोर हूँ और मैं इस पैलेस से बहुत कुछ चोरी करना चाहता हूँ, अभी तक मेरा चोरी करने का मकसद पूरा नहीं हुआ तो जैन भाई को कोई नहीं मार सकता। और तभी ये जो जिंग है वो बोलता है ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, और वो पूछता है कि क्या अभी भी तुम ये मच्छी खाना चाहते हो। तो जांग बोलता है नहीं मैं नहीं ये मच्छी खाना चाहता, ये बहुत ही खराब मच्छी है, इसमें बहुत फिशी स्मेल है, अब मैं जा रहा हूँ करके वो खिड़की से बाहर कूदता और चला जाता है। तभी जान भाई सोचता है कि यदि वाकई में जान को मुझे हार्म करना चाहता होता तो मैं कभी उसको अपने साइड में नहीं रखता। लेकिन जान के अच्छा लगा कि ज़ियांग के मन में मेरे लिए कोई ग्रज नहीं है और इस पे विश्वास किया जा सकता है, और उसने ये भी कहा कि अब वो चूंकि उसकी शादी जान भाई से हो गई है तो अब उसका कुछ भी लेना देना जी मेंशन से नहीं है। और इसी के साथ दूसरी तरफ ज़ियांग अपने मैनर पहुंचता है और फिर बोलता है कि आप लॉर्ड एक्सुई को बुलाओ। लॉर्ड एक्सुई आते हैं और कुबीन को रिस्पेक्ट देते हैं और पूछते हैं कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तभी ज़ियांग हवा में उड़ता हुआ आता है और एक्सुई पे हमला कर देता है, और एक्सुई जो है वो हमले को डॉज करना चाहता है और वो भी अपनी तलवार निकालता है, और क्या कहते हैं तभी ज़ियांग अपनी एक छोटी सी तलवार लॉर्ड एक्सुई की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है कि इतने भी डिफेंसलेस होके मत खड़े रहा करो क्योंकि ये तो मैं मजाक कर रहा था लेकिन मेरी जगह कोई और होता तो जरूर तुमको हार्म पहुंचा देता। और क्या कहते हैं एक्सवी सोच रहा होता है कि इस आदमी के जो ये जो कुबीन है इसके जो मूव्स हैं इसकी ट्रिक्स हैं इसका स्वार्ड चलाने का जो तरीका है वो थोड़ा अजीब है, ऐसा तरीका उसने कहीं नहीं देखा है, क्या ये जी मेंशन के स्पेशल स्किल्स है। फिर वो ये पूछता है कि कुबीन ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, इसलिए तो नहीं बुलाया है ना कि उन्हें स्वॉर्ड फाइट में प्रैक्टिस करनी है। तो ज़ियांग बोलता है नहीं मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, मैंने यहाँ तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट मैटर के लिए बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो शब्द हैं वो मास्टर तक पहुँचाओ। और वो बोलता है कि जो कंडीशन उन्होंने उस रात को रखी थी क्या वो अभी भी वैलिड है क्या, ये पूछने के लिए उसने एक्सवी को बुलाया होता है। फिर एक्सवी जो है ये मैसेज लेके वापस चला जाता है। अब पिन एक्सुआ टी शॉप में ज्यांग जाता है और जहाँ पर ज्यांग ने एक फ्लोर पे सेकंड रूम को पहले से ही बुक कर लिया होता है। जब ज्यांग पहुंचता है तो वो वहां पर जी युआन से मिलता है और बोलता है कि बहुत लंबा समय हुआ मिले हुए आप कैसे हैं। दोनों एक दूसरे को अपना ग्रीटिंग्स देते हैं और फिर आगे की बात बढ़ाते हैं। वो बोलता है कि आप बैठिए मास्टर, और वो पूछता है मैं नहीं जानता कि आपने आज मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया। तो ज़ियांग बोलता है कि मेरे पास एक बिजनेस डील है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ब्रदर मुझे हेल्प करें। तो वो बोलता है कि ज़ियांग बोलता है कि एम्परर के द्वारा मुझे बहुत सारे ज्वेलरीज और कीमती सामान दिया गया है लेकिन मैं इन सामान को यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ब्रदर कि आप मुझे ये सामान को बेचने में मदद करें।
जो ये ग्रीन कपड़े वाला आदमी है वो बोलता है कि अरे ये ऐसे नहीं हो सकता, रॉयल सामानों पे रॉयल सील होती है, हम कैसे इसे सील के साथ बेच सकते हैं, कौन खरीदेगा। तो जियांग बोलता है कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सील का कुछ ना कुछ प्रबंध कर लूंगा, आप बस मुझे ये सामान बेचने में मदद करो। तो जो ये आदमी है ये मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है फिर हमारी डील पक्की रही, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सामान क्या कहते हैं बिकवा दूं, और जो इसका शेयर होगा वो हम 6-6-4 रेशियो में बांट लेंगे। तो तभी ये ब्रदर भी सोचता है कि ठीक है भाई ये डील बुरी नहीं है, 6-4 रेशियो कम नहीं होता है प्रॉफिट के लिए। तो जंग अपना हाथ बढ़ाता है, बोलता है हैप्पी कॉपरेशन, और दोनों हाथ बढ़ाते हैं एक दूसरे पे, और दोनों एक दूसरे से खुश हैं क्योंकि उन्हों का कॉपरेशन जो है वो सही हो गया। तभी सर्वेंट आता है और बोलता है लॉर्ड यंग मास्टर जी चले गए क्या। तो लॉर्ड इनके बोलते हैं हाँ चले गए, वो कुछ जल्दी में थे इसलिए चले गए, और वो जिससे मिलने गए हैं उसका नाम लिन एक्सुआ माओ है। तभी ये सर्वेंट बोलता है कि लॉर्ड मैं तो बाहर खड़ा था और मैंने ये सुना कि आप वाकई में मास्टर जी को मदद करना चाहते हैं, यानी जी यांग, जियांग का सरनेम जो है जी है इसलिए यहाँ जी के द्वारा उसको मेंशन किया गया है। तो ये लॉर्ड कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि इस टाइप का काम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने उनके साथ कॉपरेशन कर लिया है तो अब सब ठीक ही होगा, और मैं वैसे भी यंग मास्टर जी की डिग्निटी पर विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है कि वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और वो ये भी कहते हैं कि यदि मास्टर जी नहीं होते तो मेरी सिस्टर के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता और मेरी सिस्टर को भेज दिया जाता मेरे ब्रदर इन लॉ की वजह से। तो जो आज मैं मास्टर जी को हेल्प कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए हेल्प कर रहा हूँ, जिससे मेरे पे किसी का कोई वो ना रहे, कर्ज ना रहे। अब आते हैं दिन के समय में जैन बाई वैंग के पैलेस में, और ये सोच रहा होता है, जियांग सोच रहा होता है, मास्टर जी सोच रहे होते हैं कि मैंने तो बटलर ली को कम्युनिकेट करने के लिए भेजा था रूल्स को लेके, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला होगा। और तभी एक्सुई आता है और वो बोलता है कि मास्टर जो है वो बहुत बिजी हैं अभी, यदि कुबिन को कोई काम है और प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दें, मैं मास्टर तक उनका मैसेज पहुंचा दूंगा। तो जियांग बोलता है सच में, तो ठीक है आप मेरे वर्ड उन तक पहुंचा दिए। वो उसको अपना मैसेज देता है और बोलता है कि एक ऐसी कहावत है कि जो लव है वो हमेशा लास्ट करता है, और हम हमेशा उसे याद रखते हैं और हम कभी उसे भूल नहीं पाते, और मास्टर आप उस रात के बाद क्यों नहीं आए मुझसे मिलने, ये मैसेज है जो जियांग जैन भाई तक पहुंचाना चाहता है एक्सुई के द्वारा। और ये भी कहता है कि 2 दिन हो गए मैंने आपको देखा नहीं और मैं आपको मिस कर रहा हूँ। तो जब ये मैसेज सुनता है एक्सुई तो एक्सुई का चेहरा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती कि इस तरह का कोई मैसेज होगा जो जियांग सोचना चाहता। और जियांग हंसता और बोलता है आप एक सिंगल आदमी है और लोनली आदमी है, आप नहीं समझेंगे ये प्यार वाले मैसेजेस, और यदि तुम ये मेरा मैसेज नहीं पहुंचा सकते हो तो मैं ही खुद जाके बोल देता हूँ। तो एक्सुई अपने हूँ कहता है और बोलता है नहीं नहीं मैं पहुंचा दूंगा। और तभी जाते वक्त सोचता है कि भगवान जाने की कैसी कुबीन कुबीन है, और पता नहीं कौन सी दवाइयों पे रहती है ये कुबीन की, इसकी सोच अलग ही है। तभी दूसरी तरफ जियांग जाता है अपने कमरे में और वहां पर कोई आता है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, होम पेज देने के लिए, और तभी वो जाके बोलता है कि वो लाइब्रेरी में जाना चाहता है, क्या वो लाइब्रेरी को यूज कर सकता है क्या। तो जो ये आदमी बैठा होता है अंदर वो बोलता है ठीक है कुबीन आपको जो तरह की किताब चाहिए वो आप ले सकती हो, आप लाइब्रेरी में जा सकती हो। जियांग जाता है लाइब्रेरी में, इतनी सारी किताबों को देख के उसे लगता है कि अरे बाप रे ये लाइब्रेरी कितनी बड़ी और कितनी डिफरेंट है। और तभी 2 लोग आते हैं जिनके हाथ में कुछ कपड़े होते हैं, बॉक्स होते हैं, बोलते हैं मास्टर मास्टर आपने ये चीजें देखी और हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है एम्प्टी स्पेस ढूंढना करके। और तभी वो देखते हैं कि लाइब्रेरी में एक मार्चिंग रिकॉर्ड भी है जो रैनमो फैंग का है, यानी जेनबाई का है, और देखता है कि हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है, और वो सोचता है कि एक बीमार आदमी की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। और तभी सर्वेंट बोलती है कि मास्टर हमने सब कुछ अरेंज कर दिया जैसा आपने कहा था, और अब क्या मैं खाना बनाने की तैयारी करूं। जियांग बोलता है कि नहीं आज मैं बहुत बिजी रहूंगा तो मुझे अब डिस्टर्ब करने के लिए मत आना। तो सर्वेंट बोलती है ओके मास्टर और दरवाजा क्लोज करके चली जाती है। अब लुआन देखता है
और बोलता है कि मुझे मिल गया है, तुम्हें मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। और वो जान भाई लूनार को मिलना आता है, और लूनार फिर लूनार को पूछता है कि हाँ तुम कैसे आना हुआ। और तभी जान भाई बोलता है कि मैं यहाँ देखने आया हूँ कि मेरी जो कुबीन है वो सारा दिन क्या करती रहती है, किस चीज में मेरी कुबीन इतनी बिजी है। जान भाई जियांग को मतलब अपनी कुबीन को देखने के लिए उसके कमरे में आता है और देखता है कि वो बहुत बिजी है। और तभी वो सोच बोलता है कि क्या तुम्हें औरतों के ड्रेसिंग में भी इंटरेस्ट है क्या, मतलब तुम इस तरह के कपड़े मंगा के देख रहे हो, उनके बारे में पढ़ रहे हो। तो बोलते नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर जान भाई बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें और टीजिंग नहीं करूंगा, मैं तुम्हें और नहीं छेड़ूंगा, और तुम बताओ कि किस चीज में इतना बिजी हो कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। तभी उनकी सर्वेंट आती है और बोलती है मास्टर आज किचन ने डिफरेंट तरह की डिशेस पकाई हैं, तो आप ये सारे डिशेस ट्राई करो जब तक तो हॉट है। तो उन सर्वेंट ऐसा करके जाने लगती है और बोलती है कि मास्टर और जान भाई आप दोनों जो है वो खाना एंजॉय करें, मैं चलती हूँ। और वो मुस्कुराते हुए चली जाती है। जियांग बोलता है ठीक है। तभी वो अपना वापस काम करने लगता है, वो कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता इस चीज पे। तभी जान भाई उसके एकदम पास आता है, बोलता है पहले खाना खाओ फिर बाद में काम करना, और नहीं तो मैं तुम्हारी ये सारी चीजें पिक्चर जो है फाड़ दूंगा, इसलिए पहले तुम खाना खाओ। जियांग भी को भी गुस्सा आता है, वो टेबल पे हाथ मारता है और फट से उसका हाथ दूर करने की कोशिश करता है। जान भाई को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे प्रोवोक करने की मत कोशिश करो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मतलब छोड़ दूंगा और तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। तभी जियांग बोलता है कि मेरा गला छोड़ो, मुझे इस तरीके से थ्रेटन करना बंद करो। और वो ये भी सोचता है मन ही मन कि ये जान भाई कितना क्रूर आदमी है। और जब जान भाई उसके गले पे से हाथ हटाता है तो देखता है कि जियांग के मुंह में से थोड़ा खून आ गया है। और तभी जान भाई को और गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी जबान को काटने की, क्यों काटा तुमने अपनी जबान को। जियांग बोलता है कि शुरुआत से ही कभी तुम मुझे चाहते नहीं थे, तो अब क्या तुम मेरे से चाहते हो। तो जान भाई को बहुत बुरा लगता है, वो उसे अपने गले से निकाल लगा लेता है, हक करता है और बोलता है ठीक है मेरी गलती, मेरे से ही सारी प्रॉब्लम्स हुई, अब मैं कभी भी इस बारे में बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम थोड़ा खाना खा लो, तुमने दिन भर से कुछ नहीं खाया है, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो जान भाई की गोद में जियांग बैठता है, बोलता है कि लेकिन मैं वाकई में बिजी हूँ और अब मैं बच्चा नहीं रहा, तो अब मुझे तुम जाने दो, मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे पता है कैसे करना है। तब जान भाई पूछता है कि तुम्हारा जबान दुख रही है, प्लीज मुझे वो भी करो और थोड़ा खाना खा लो। और फिर वो चॉपस्टिक्स को उठाता है और उससे जियांग को धीरे धीरे खिलाता है। और जियांग अपने मन में सोच रहा था कि वाकई में जीभ जीभ को काटने से दर्द होता है, लेकिन उसको अपने मन में ये भी सोच रहा होता है जियांग की पहली बार लाइफ में किसी ने उसकी इतनी केयर करी है, कोई उसे इतने प्यार से खाना खिला रहा है। तभी वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और उसे याद आता है कि वो जब छोटा था तो लोग उसे कैसे यूजलेस बोलते थे, और उसकी माँ उसे कैसे दूसरों को दूसरे जब उसे बुली करते थे तो उसकी माँ उसे कैसे बचाती थी, और उसका बॉडी कितना वीक था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और बाद में वो अपने अंकल और आंट के साथ रहने चला गया था क्योंकि उसकी मदर जो है उसकी डेथ हो गई थी और उसकी मदर ने उसको अकेला छोड़ दिया था। तभी उसके अंकल भी एक अच्छा इंसान नहीं था और वो अपने साथ जियांग को लेके तो जाता है लेकिन उसको रास्ते पे छोड़ देता है ये कह के कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लेने जा रहा हूँ। और बेचारा जियांग पूरी रात भर वहीं पे खड़ा रह जाता है जहाँ उसके अंकल ने उसे छोड़ा था। फ्लैशबैक खत्म होता है और जैन भाई जियांग की तरफ देखता है, पूछता है क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम, क्या तुम्हारे जबान में अभी भी दर्द हो रहा है। तो जियांग बोलता है नहीं, खाना बहुत टेस्टी है। और वो बोलता है ठीक है मुझे अपनी गोदी से उतारो। तो जैन भाई बोलता है लेकिन तुम बहुत तो स्किनी हो, बहुत लाइट वेट हो, तुम्हें थोड़ा और खाना चाहिए। तो जैन बोलता है मैं कहाँ से स्किनी हूँ, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है जो तुम ये कह रहे हो कि मैं स्किनी हूँ। तभी जैन भाई बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इस वक्त कैसे हो, फर्क इससे पड़ता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब मैं तुम्हें हग करता हूँ क्योंकि तुम इतने दुबले पतले हो कि तुम्हारी हड्डियां ही सिर्फ चुभती है, तुम बिल्कुल गद्दीदार नहीं हो। जियांग शॉक्ड हो जाता है, बोलता है व्हाट, तुम ये क्या कह रहे हो। और तभी दोनों में थोड़ी सी ऐसी मस्ती वाली बातें होती है। और तभी जियांग बोलता है ठीक है अब तुम्हें भी जाना चाहिए, मुझे बहुत सारा काम करना है। वो जानवी को बोलता है ऐसा और जानवी बोलता है लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
और मैं नहीं चाहता कि तुम इतना बिजी रहो, मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों सो जाएं। और तुम काफी देर से काम कर रहे हो। और जनरल बोलता है, और ये भी मत बोलो कि ये मेरी लाइब्रेरी है। और फिर उसके बाद दोनों मिलके पेपर में कुछ लिखने लगते हैं। और तभी जियांग बोलता है कि तुम्हारी जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी ऑर्डनरी है। और तभी जान भाई पूछता है कि यांग इर, यानी जान भाई जो है वो जियांग को प्यार से यांग इर बुलाता है और पूछता है, तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम ये ड्राइंग्स क्यों बना रहे हो। और तभी जान अपने हाथों को टेबल पे रख देता है और उसके गालों पे ब्लश आ जाता है, क्योंकि ये नाम बहुत ही इंटीमेट नाम होता है। और वो उस पे सो जाता है, डेस्क पे ही ब्लश करते करते सो जाता है। तभी जान भाई उसको अपनी गोद में उठाता है और उसको बिस्तर पे ले जाता है। तभी दो लोग छत पे से देख रहे होते हैं, ये कोई और नहीं लॉर्ड एक्स भी होते हैं, और उनके साथ वो जो दूसरा आदमी बैठा होता है वो होता है। और वो सोच रहे थे कि ये कुबीन भी बहुत जल्दी मर गई क्या, उनके हिसाब से पिछली सारी कुबीने बहुत जल्दी मर गई। तो जब वो जान भाई ऐसे गोदी में जियांग को उठा के लेके आता है, तो वो लोग सोचते कि जियांग भी मर गया। तभी दूसरा आदमी बता रहे, तुम्हारी आंखों के साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जियांग जो है कुबीन जो है सो चुकी है, और जो हमारे मास्टर है वो कुबीन को उठा के ले जा रहे हैं। और तभी दूसरा बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे मास्टर किसी को इस तरह भी उठा सकते हैं।